क्योंकि तुम ही हो। या होली के 3 दिन बाद की बुकिंग करनी है और आपको मैं लोकेशन कंफर्म करता हूँ। काव्या सॉरी दादी, मैं वो मुझे पता नहीं था यहाँ कैसे बैठ गई। गलती से ही सही, तुम सही जगह पर बैठी। काव्या बात क्या है, तुम्हें क्या हुआ है? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता। काव्या इंसान अपने मुंह से झूठ बोल सकता है पर उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती, बोलो बात क्या है। मंजरी आंटी का फोन आया था मुझे। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अच्छा आइए बैठो साड़ी वाला। काव्या नमस्ते। काव्या यहाँ आओ, एक सरप्राइज है। इनको जानती हो ना? नमस्ते। नमस्ते। इनको देखा देखा से लग रहा है, थोड़े जाने पहचाने से लग रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा है कहाँ देखा। काव्या ये हमारे खानदानी साड़ी वाले हैं, अम्मा जी सारी साड़ियां हमेशा इन्हीं से लेती हैं। तुम्हारी शादी में भी तो सारी शॉपिंग इनके ही से भी थी। वो क्या है ना, अब तुम हवेली की मालकिन बन गई हो तो शायद तुम्हें याद नहीं होगा। तुमने कहा था ना कि हमारी सारी साड़ी हैवी बॉर्डर वाली है, तो मैंने इनको घर बुला लिया। तुम्हें जो साड़ी जितनी साड़ी पसंद हो सब ले लो। कहा तो था पर इतनी सारी नई साड़ियों की जरूरत नहीं थी। ले लो काव्या, करण ने इतने प्यार से बुलाया है। अरे ले लो, करण ने इतने प्यार से बुलाया है वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई साड़ी पसंद आए तो आप भी ले सकती हैं। नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, काव्या को ही लेने दो। हाँ अम्मा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, पहले घर की मालकिन पसंद कर ले, जो भी बची खुची होंगी उसमें से हम ले लेंगे। आप इन साड़ियों में ना बहुत खूबसूरत लगेंगे। सुनिए काव्या और करण के रिश्ते की खटपट की बात सच्ची है, देखिए ना इसीलिए तो उसको मनाने के लिए ये सब कर रहा है। सब ठीक है पर हमें तो उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ानी, उसके लिए क्या किया तुमने, सोचा कुछ? करण भैया ये साड़ी भाभी पर जच रही है ना? हाँ ये साड़ी अच्छी है,
अगर काव्या को पसंद है तो फिर वो ले सकती है। हाँ हाँ ले लो काव्या। अब ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, ध्यान रखना साड़ी ना मालकिन लेवल की होनी चाहिए। तुम पर अच्छी लगेगी, कीप इट। इधर काव्या का पैर बटर पेपर पर पड़ा और उधर वो बुढ़िया पर गिरे की धड़ाम से, और अगर बुढ़िया को चोट लग गई तो करण भी काव्या को खरी खोटी सुनाएगा। मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। दादी माँ ठीक हो ना? जी। कुत्ते की धूम कभी सीधी नहीं होगी। क्या हो गया भैया, क्या किया मैंने ऐसा? क्या किया? तुमने काव्या को गिराने की कोशिश की। तुम जैसो को सुधारना मुझे आता है। भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो आपने देखा ना वैसा कुछ है नहीं। पर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, मैं से माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। और अगर आपको फिर भी लगता ना कि सब मेरी गलती, तो मारो मुझे, मारो शौक से मारो। भैया आप क्या मारेंगे मुझे, मैं ही मारता हूँ। ये लीजिए हैप्पी। मगर मैंने कुछ नहीं किया भैया। इशिका आप लोग अभी के लिए जाइए, दादी आपको बाद में बुला लेंगी। कुछ नहीं किया? नहीं किया भैया। What did I do? करण रॉकी को छोड़ दीजिए। आप बड़े हैं, इस बात का तो ध्यान रखिए। दादी माँ मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा मतलब है जानबूझ के तो मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। वो क्या है ना, बटर पेपर बाहर आया, मैंने अपने पैर से अंदर किया और आवे भाभी उस पे आगे चढ़ गई। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है। नो दादी। करण कई बार हमें गलत फहमियां हो जाती है, मगर हर बार आप अगर इस तरह से तलवार निकाल लेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे तो कोई रिश्ता नहीं बच पाएगा। आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए। करण आप बड़े हैं, पूरे परिवार के कर्ता धरता है, अपना दिल बड़ा करके अपने छोटे भाई को माफ कर दीजिए। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब आप मुझसे बात नहीं करते ना, मेरा दिन नहीं कटता भैया। प्लीज प्लीज भैया सॉरी, कसम खा के कहता हूं मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। इस रॉकी में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या जरूरत है करण के पैरों में गिरने की? वाह बेटे वाह, मुझसे भी बड़ा गिरगिट निकला। खड़ी खड़ी रंग बदलता है। आई एम प्राउड ऑफ यू। करण आप हमें कहते थे ना कि काव्या को एक और मौका दीजिए, हमने दे दिया और आज हम उसे अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। आप भी अपने छोटे भाई को एक मौका दे दीजिए, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी।
सॉरी भैया। गले लगाकर अपने छोटे भाई को माफ कर दीजिए करण। या प्लीज एक लास्ट चांस दे दो। थैंक यू सो मच भैया, मुझे पता था आप अपने छोटे भाई को माफ कर देंगे, मेरी कोई गलती थी भी नहीं। करण, आप लोगों को ऐसे नहीं लगता कि आप लोग कुछ भूल गए हैं? कल बहुत बड़ा दिन है और आप लोगों को याद ही नहीं? मुझे याद है। अब मुझे मालूम है अम्मा, लोग कहते हैं कि मैं भुलक्कड़ हूं लेकिन मुझे सब याद है। अच्छा तो बताओ क्या मालूम है तुम्हें? अम्मा, करण का कल जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू टू, हैप्पी बर्थडे टू टू। अरे भुलक्कड़, तुझे तो सब कुछ याद है रे। ओ नो, भैया का बर्थडे और मैं कैसे भूल सकती हूँ? दादी माँ, आप जानती हैं मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाता, फिर भी आप क्यों? हमें पता है ये दिन आपके लिए खास नहीं है, मगर हमारे लिए तो है। हम पार्टी के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं, मगर हर साल की तरह हम पूजा और आश्रम में दान तो जरूर करेंगे। करण, हम सबको पता है आपके मम्मी पापा के जाने के बाद आप अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, लेकिन इस खास दिन के लिए आपको भी महादेव के आशीर्वाद की जरूरत है। और कुछ चीजें तो आप हमारे खुशी के लिए भी तो कर सकते हैं। चलो पूजा और आश्रम में दान की तैयारी करो। करण और काव्या, हमारे साथ आइए। ये करण के माँ की साड़ी, ये हमने बहुत संभाल कर रखी थी। करण की माँ ये इसे अपने होने वाली बहू को देना चाहती थी। करण के जन्मदिन से ज्यादा और शुभ दिन क्या हो सकता है, इसलिए काव्या कल ये साड़ी पहनकर तुम पूजा में करण के साथ बैठोगी। करण के साथ साथ कल तुम्हारे लिए भी ये दिन बहुत बड़ा दिन है। भूलना मत, ये एक नई शुरुआत का दिन है। ओहो, लगता है यहाँ कोई इमोशनल ड्रामा होने वाला है। ए, चुप कर। हम सोच रहे थे कि कल की पूजा के लिए काव्या के माता पिता को भी बुलाएं। अब इशिका, हमारा फोन कहाँ है? हाँ, ये रहा। अब क्या सर पर बिठाकर नाचेगी बुढ़िया? ऐसे क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा।
परी, दान में जो देना है ना सारा सामान खुद चेक करना, अगर थोड़ी भी गलती हुई ना तो अम्मा हम पर बहुत भड़केगी, इसकी ध्यान रखना, ठीक है? ठीक नहीं, बहुत बढ़िया है, बाप यहाँ बर्थडे की तैयारी में लगा हुआ है और बेटा लोगों के पैर पड़ता फिर रहा है। तुम दोनों बाप बेटे को देखकर ना मुझे नौकरों वाली फीलिंग आती है। तुम दोनों काम क्यों नहीं करते? जहाँ पूजा होने वाली है ना वहाँ जाकर झाड़ू पोछा भी कराओ, क्यों? अरे मेरी भोली माँ, मेरी प्यारी माँ, अगर मैं करण के पैर नहीं पड़ता ना तो आप पे शक जाता, और रही बात झाड़ू की तो करण की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए झाड़ू लगने वाला है। कल करण का आखिरी जन्मदिन होगा माँ। मतलब? समझाता हूँ बैठ। जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद होली पे करण रंगों से नहीं अपने खून से होली खेलेगा। और होली के दूसरे दिन जैसे बाजारों से रंग उड़ जाता है ना, ठीक उसी तरह से डैड करण का नाम और निशान हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से मिट जाएगा। चंद भैया उस कालीन वाले की बेटी का क्या होगा? काव्या, माँ आप तो जानती है ना कि एक लड़की के लिए उसकी जान से भी ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत। करण के जन्मदिन पे काव्या इसे आजमाएगी और ऐसा हंगामा मचाएगी कि उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। वो केवल कहीं की नहीं बल्कि किसी की भी नहीं रहेगी सिवाय मेरे। बर्थडे की प्लानिंग चल रही है। बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही है शिखा। हाँ भाई। थोड़ी सी चाय अगर मिल जाए बना देती हूँ मैं। अरे आओ आओ। अरे बस जीते रहो। मुबारक हो बेटा। मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू अंकल। ये सब आप दोनों की आशीर्वाद का ही नतीजा। अरे मुझे तो पहले से ही पता था आयुष्मान इस टेस्ट में जरूर पास हो जाएगा। अरे अब इसके जैसा टॉपर पास नहीं करेगा तो क्या मेरे जैसे लल्लू पल्लू पास करेगा? तो कुछ सीखो इससे। जब देखो खाते रहते हो और मोबाइल में घुसे रहते हो, पढ़ाई वढ़ाई करनी है नहीं। खैर बेटा ये बिग ड्रीम कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है, सुना है कि इंडिया के चार बड़ी कंपनियों में से एक है। जी अंकल, वन ऑफ द बेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी है। बिग ड्रीम का एम्प्लॉय होना सच में किसी ड्रीम से कम नहीं है। क्या बात। पार्वती जी ये सोच के इतनी खुशी हो रही है ना कि अपने आयुष्मान के सारे ड्रीम्स अब इस बिग ड्रीम के जरिए पूरे हो जाएंगे। वैसे बेटा तुम्हारी ज्वाइनिंग कब की है? अंकल अभी तो बस रिटन टेस्ट पास हुआ है, इंटरव्यू तो बाकी है अभी। वैसे इस कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ही टफ है। तो कब है इंटरव्यू बेटा? होली के 2 दिन बाद। अरे उसमें क्या है, वो ओरल इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। अरे क्लियर क्या होगा, उसमें भी अपना आयुष्मान टॉप में आएगा। हाँ। और अरे नमस्कार भवानी जी। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे याद किया? निमंत्रण देने के लिए कॉल किया था। निमंत्रण? किस बात का? कल करण का जन्मदिन है और हवेली पर इस अवसर पर हमने पूजा रखी है। आयुष्मान और मंजरी जी को भी हमारी तरफ से निमंत्रण दे दीजिएगा।
अरे वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, हमारे दामाद जी का जन्मदिन है कल। अरे तब तो बड़े धूमधाम से मनाएंगे, हम लोग सब आएंगे। करण धूमधाम से जन्मदिन मनाने में विश्वास नहीं करते, वो कोई उपहार भी नहीं लेते, बस हवेली पे पूजा और दान का कार्यक्रम रखा है। जी कोई नहीं, ये भी ठीक है, पूजा रखिए, पूजा के लिए हम लोग आएंगे, जरूर आएंगे। तुम्हारे माता पिता भी आ रहे हैं। मैं आयुष्मान के टेस्ट पास करने की खुशी में कुछ मीठा बना लेती। चलिए दीदी, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। अंकल, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, मैं चार्ज कर आता हूँ। ठीक है ठीक है। एक बात कहूँ दीदी? हाँ बोलो। मैं सोच रही थी कि आयुष्मान का जैसे इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा ना, तो मैं उसकी बात मानने वाली नहीं हूँ, उसके सामने फिर से सना की बात छेड़ूंगी। सच कहूँ तो सना आयुष्मान के लिए बहुत लकी है। तो सना को ये खुशखबरी दी कि नहीं आपने? सना को बता दूं क्या? हाँ तो बहुत नाराज होके गई थी दीदी वो। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, बता दो ना। वर्कआउट करके अच्छा लगा? अच्छा लगा। क्या हुआ? हाँ एक कॉल है। हेलो सना, बेटा तुम्हें खुशखबरी देनी थी। जी आंटी। आयुष्मान को चार बड़ी कंपनी में से एक कंपनी से नौकरी की ऑफर आई हुई है और उसने फर्स्ट राउंड क्लियर भी कर दिया। वाओ आंटी, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पर अभी उसका फाइनल इंटरव्यू बाकी है। आप टेंशन मत लीजिए आंटी, आयुष्मान बहुत इंटेलिजेंट है, वो इंटरव्यू क्लियर कर लेगा। आयुष्मान से अभी भी नाराज हो? नहीं आंटी, मैं नाराज नहीं हूँ, पर बेटा एक सच बात कहूँ? मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ज्यादा दिन किसी से भी नाराज नहीं रह सकता है। वो भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा होगा, तुम हो इतनी प्यारी। हेलो सना बेटा। मैं पार्वती। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप लोग? मुझे आप लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा है। अरे तो नेकी और पूछ आ जाओ ना बेटा। अरे बेटा कल करण जी का बर्थडे है तो हम सब वहीं जा रहे हैं, पूजा रखी है उन्होंने। बेटा तुम भी आ जाओ, काव्या को भी अच्छा लगेगा। अब आंटी मैं आ तो जाती लेकिन शायद आयुष्मान को अच्छा ना लगे। सना तुम आयुष्मान के लिए नहीं, हमारे लिए आ जाओ और आयुष को तो हम संभाल लेंगे। अब ठीक है आंटी, अगर आप कहती हैं तो फिर मैं आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, रखती हूँ अभी मैं। आंटी मैंने सारी खुशखबरी तो सुन ली लेकिन आपने कंपनी का नाम नहीं बताया। हाँ वो उसकी कंपनी का नाम बिग ड्रीम्स है। ओके आंटी बाय। ठीक है बेटा बाय। बिग ड्रीम्स, आयुष्मान बिग ड्रीम्स में तुम्हारा सिलेक्शन होकर ही रहेगा, चाहे तुम इंटरव्यू कैसा भी दो। आखिर मेरे पापा कब काम आएंगे? कल ये साड़ी पहनकर तुम पूजा में करण के साथ बैठोगी। करण के साथ साथ कल तुम्हारे लिए भी ये दिन बहुत बड़ा दिन है, ये एक नई शुरुआत का दिन है। मेरी माँ ने यूं ही नहीं सोचा होगा कि ये साड़ी मेरी बीवी पहनेगी, तो मेरी माँ को अंदाजा आ गया होगा कि जितनी खूबसूरत तुम दिखने में हो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तुम्हारा मन है। काव्या तुम तैयार नहीं हुई, तुम्हारे परिवार वाले नीचे आए हैं और पूजा का भी समय हो गया है, आप दोनों को आज पूजा में बैठना है। मुझे पूजा में नहीं बैठना है, ये साड़ी तो बिल्कुल भी नहीं पहननी, नहीं संभली जाएगी ये साड़ी। तुम्हें मेरी माँ की साड़ी नहीं पहननी। मैंने आपसे एक बार कह दिया ना कि मुझे नहीं पहननी मतलब नहीं पहननी। तुम्हारी